हर खबर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज चैनल को। घंटे का बटन दबाकर पाएं सबसे तेज समाचार आपके मोबाइल पर। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक थी, इस तरह की क्या खंडवा है, इसमें फैसले लिए गए, क्या निकलकर सामने आया? केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के बाद से देखने में यह आया है कि लगातार कोरोना केस एकदम से सडनली बढ़ने लगे हैं। उनका मॉनिटरिंग करने के बाद में पता चला कि जो लोग सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऐसे 60% मामले आए हैं कि ट्रैवल के कारण या अपने रिश्तेदारों में मिलना, मित्रों से मिलना या कहीं किसी काम से जाना। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया है कि एक तो बॉर्डर पर उन्हीं लोगों को आवाजाही की अनुमति रहेगी जैसे व्यवसायिक कारण हो, रिश्तेदारों से मिलने के लिए या व्यक्तिगत कुछ काम से आप नहीं जा सकते, मेडिकल काम से आप जा सकते हैं। दूसरा, दुकानों को सुबह 8 से 6 बजे तक खोला जाएगा, इसके बाद में दुकानों को सख्ती से बंद करवा दिया जाएगा ताकि ज़्यादा समय तक भी खुली रहेंगे तो भीड़ भाड़ का माहौल रहता है। व्यवसाय कुल मिला करके प्रभावित करे बिना कैसे हम लोग कोरोना के संक्रमण को रोक सकते हैं, इसको लेकर के आज बैठक हुई है।